रीसेंट ऐप रिस्टार्ट प्रॉब्लम कैसे फिक्स करें। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन है और उसमें आप जब भी ऐप को रीसेंट में रखते हैं और वहां पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो रीस्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि फिर से दोबारा से वही स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स करें, जैसे हम कोई भी यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे ये देख सकते हैं इस तरीके से, ये देखो रीस्टार्ट हो गया, ये देख सकते हैं इस तरीके से रीस्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, फिर से रीस्टार्ट हो जाते हैं दोबारा से, ठीक है। चाहे आप गेम खेलते हैं, चाहे आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, क्रोम ब्राउज़र रीस्टार्ट हो जाता होगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, आप ऐप रीस्टार्ट की प्रॉब्लम को फिक्स कर लेंगे। आज की इस वीडियो में जो मैं स्टेप बताऊंगा वही आपको फॉलो करने होंगे, आपके पास किसी भी कंपनी का फोन क्यों ना हो, बस आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, नॉलेज रहे, अच्छी हेल्पफुल रहे, तभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर, क्योंकि इस तरीके से सेटिंग का आइकन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके पास किसी भी कंपनी का फोन है, ठीक है, अब आप यहाँ पे इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल नीचे की तरफ मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, ठीक है। अब ये सेटिंग बहुत से यूट्यूबर बताते हैं, मैं एक और बताऊंगा लास्ट में जो काफ़ी अच्छी है, वो 100% वर्क करेगी आपके फोन में। ये देख सकते हैं जैसे कि डेवलपर ऑप्शन है, अगर आपके यहाँ डेवलपर ऑप्शन नहीं है तो आपको यहाँ से बैक चलना है और यहाँ पे आपको मिलेगा अबाउट फोन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे लिखा है MIUI, इस पर आपको 6 से 7 बार टैप करना है, ठीक है। इस पर टैप करेंगे आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा, ठीक है। डेवलपर ऑप्शन जब ऑन होगा तो आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ये आप देखेंगे नीचे की तरफ, ये देखो रहा, इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको एक काम करना है, इसे नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे की तरफ आना है, बिल्कुल नीचे कर देना है, उसके बाद ऊपर की तरफ इस तरीके से आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा डोंट कीप एक्टिविटीज़, ये आपका ऑन हो सकता है, इसे आप बंद कर दीजिए। बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इसे आप स्टैंडर्ड लिमिट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर की तरफ जाएंगे, इस तरीके से आप ऊपर की तरफ चलते जाएंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है जो आपको मैं बताऊंगा, जैसे विंडो एनिमेशन स्किल है, ये 3 ऑप्शन होते हैं एनिमेशन वाले, तो इन्हें आपको एक पे सेलेक्ट कर लेना है, एक पे, ठीक है। कितने पे, केवल एक पे सेलेक्ट करना है तीनों को, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर की तरफ चलेंगे इस तरीके से, जैसे मैं जा रहा हूँ उसी तरीके से आप ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन और ऑन बंद करने हैं, जैसे कि वॉल डाटा ऑलवेज एक्टिविटी से आपका ऑन हो सकता है, तो इसे आप यहाँ से बंद कर दीजिए। उसके बाद ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जैसे कि ये देखो ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट, ये आपका ऑन होगा तो इसे आप बंद कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि लिखा है OEM अनलॉकिंग, ये आपका ऑन हो सकता है, ठीक है, तो इसे आप यहाँ से बंद कर दीजिए, ठीक है, बंद कर दीजिए इसे। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन और मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि ये देख सकते हैं अभी मैं आपको यहाँ पे वो ऑप्शन शायद नहीं होता है, बाहर होता है, तो चलिए हम बताते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं डेस्कटॉप बैकअप पासवर्ड, ये इस तरीके से होगा, यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ से आप जाते हैं बाहर और फिर भी ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल रही है तो डेवलपर ऑप्शन को यहाँ से बंद कर दीजिए, ठीक है। डेवलपर ऑप्शन को यहाँ बंद कर दीजिए, फिर से आपको देखना है, फिर से रीस्टार्ट प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर से नहीं होगी। अगर आप इसे बंद कर देंगे, ऑन रखेंगे तो आपको देखना है हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर हो रही है फिर आप इसे बंद कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से आप बैक आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेटिंग में, जैसे घुसेंगे ऐप्स का, ऐप्स से क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैनेज ऐप, डुअल ऐप, परमिशन ऐप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम ऐप सेटिंग मिलेगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐप इस तरीके से मिलेंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, परमिशन पे क्लिक करना है। अब फालतू के एप्लीकेशन जो होते हैं, जो ऑटो स्टार्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, ऑटो स्टार्ट वाले, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं ऑटो स्टार्ट, ये फालतू के एप्लीकेशन ऑन हो सकते हैं तो इन्हें आप बंद कर दीजिए, ठीक है, ऑटो स्टार्ट वाले, ठीक है, यहाँ ऑटो स्टार्ट हो जाते हैं, ये आपको बंद कर देना है। फिर अदर परमिशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ है इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कि बहुत से एप्लीकेशन होते हैं जिन्हें हम फालतू में परमिशन दे देते हैं तो वो परमिशन आपको बंद कर देनी होगी। वो परमिशन कैसे बंद करेंगे, जैसे कि ऐप से आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तो जैसे कि अभी आप देखेंगे फेसबुक को, ये देखो परमिशन यहाँ पर बहुत सारी मिलेंगी, इन्हें आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। यहाँ से आप बैक जाएंगे, इंस्टॉल वेब व्यू, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ से आप बैक चले आइए, ठीक है। अब यहाँ से जब आप इस तरीके से बैक आएंगे तो आपके स्टोरेज में जो फालतू के वो होते हैं, यानी कि जो भी आपका फाइल मैनेजर के अंदर फालतू के फोल्डर होते हैं, उन्हें आपको अनइंस्टॉल यानी कि डिलीट कर देना होगा। और जो फालतू के ऐप होते हैं,
जो भी फालतू के ऐप हैं आपके फ़ोन के अंदर, उन्हें आप इस तरीके से दबा के और यहाँ पे इस तरीके से अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो इसी तरीके से आप इस फ़ोन को फिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे बैकग्राउंड में जो भी ऐप होते हैं आपके, वो यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखने हैं, वो 2-3 ऐप ही रिसेंट में आपको रखना होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम इसलिए आती है कि आपका फ़ोन जो है उसमें रैम और रोम है वो कम होती है, प्रोसेसर हल्का होता है, इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। फिलहाल मैं इस वीडियो में लेता हूँ विदा। जय हिंद।